ये सुन, ये वाली सारी कश्मीर की स्टॉक ये है। सारी ये तो सब मेरे ख्याल से होंगी सब 100-150 साल पुरानी भैया। बिल्कुल बिल्कुल, ये कश्मीरी मैं तो चाहूं संगम तेरा। तो ये मार्केट तो अभी अपनी एक्सप्लोर हो गई है, लेकिन जो ये मेन मार्केट थी जो यहाँ पे एक चक्कर वाली थी ये एक्सप्लोर कर ली है। एक इससे बाहर वाली मार्केट जो है अभी वो एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग, और स्वागत करता हूँ आपका लेह सिटी से जहाँ पे हम हैं पहुँच गए थे। जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और हम पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। मैं तो तैयार हो गया हूँ, साथ में तुषार भाई भी हमारा तैयार हो गया, और सारे कपड़े वपड़े पैक कर दिए मेरे भाई ने, और अभी निकलेंगे पहले हम जरा लेह मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। रात तो थोड़ी सी ज़्यादा नींद आती है ज़्यादा, तो पड़ गए तो भाई सो गए, कुछ पता ही नहीं चला कब दिन हुआ। और अभी निकलेंगे जरा पहले यहाँ से पहले लेह मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। आज आपको एक से एक अलग अलग चीज़ें दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो पुरानी चीज़ें हैं वो कैसे मिलती हैं, और सब पुरानी चीज़ें वो सब चीज़ आपको दिखाऊंगा मार्केट में, कि मार्केट में यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या नहीं है, कैसी मार्केट है, कैसी हमारे वहाँ से क्या डिफरेंट है, और जो चीज़ें हैं वो सब आपको जेन्युइन दिखाऊंगा। और तक देखते रहना, लेकिन आपको उससे पहले एक व्यू दिखाता हूँ जो कि हमारे होटल रूम से बाहर का है। और ये चेक करना गाइस, ये चेक करना, अलग ही भाई साहब, आपको शायद इसमें पता ना रहा हो, लेकिन बाबा सब पुराने घर बने हुए हैं, सब एक से एक एंटिक यूनिक हैं। और चलते हैं बाबा पहले जरा, सबसे पहले जरा मार्केट एक्सप्लोर करने, फिर उसके बाद अपने को 3-4 चीज़ें और एक्सप्लोर करनी है। मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, निकलते हैं जरा, थोड़ा सा लेट हो गए हैं, करते हैं जरा नाश्ता और उसके बाद मिलता हूँ सीधा नाश्ते वाली जगह पे। नाश्ता करेंगे पहले जरा सुबह का नाश्ता, और उसके बाद देखेंगे कहाँ जाना है। पहले सोच रहा हूँ पहले जरा लेह मार्केट जाएँ और उसके बाद देखेंगे कहाँ जाना है। तुषार आ रहा है भाई हमारा, पीछे पहली बार लेके आया हूँ मैं लामायूर रेस्टोरेंट में। ये ऑर्डर करा है हमने वही अपना पुराने वाला सूप और एक आलू का पराठा जो भी आने वाला है, और देखते हैं फिर उसके बाद कहाँ चलना है कहाँ नहीं चलना है। शायद पहले लेह मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे आगे। 2-3 चीज़ें पहले सोच रखी है, नुब्रा वैली वगैरह इन साइड नहीं जा पाएंगे क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत है टाइम की भी और वैसे भी। चाय वाय हो गई है और अब अभी यहाँ से निकल रहे हैं तुषार और हम। तुषार बाबा कैसा लगा ये बताओ पहले? और वैसे यहाँ पे सबसे पहले जब मैं आया था लेह में तो यहीं पे आया था यार। हमारे भाई को हमारे दो दोस्त मिल गए, हमारे भाई सिखा रहे हैं अब हमें मलयालम। बाबा क्या कहेंगे, बेस्ट फ्रेंड, व्हाट विल यू कॉल बेस्ट फ्रेंड? अड़िया अड़िया, ए अड़िया, ए अड़िया, पंजाबी आड़ी अपने को हमारे दो भाई मिल गए थे और हम जरा सीख रहे हैं भाई से मलयालम। क्या हो गया था इसे गाड़ी वाले को, क्या हो गया था? जरा नेकलेस के बारे में पता चला है जो कि बहुत ही ज्यादा इंसेंट है, और भैया बताएंगे अभी टोटल इस चीज के बारे में। भैया तो भैया हैं हमारे लेह से, अभी हम लेह मार्केट में। मार्केट का नाम क्या? जुले मार्केट का नाम है फोर्ट रोड लेह लद्दाख। शॉप नेम इज सेम बट डिफरेंट। दिस इज ओनली वन शॉप हॉल ऑफ द लेह, एंड एक्चुअली मेन ब्रांच वी हैव इन थाईलैंड। सो आई बिलोंग एक्चुअली फ्रॉम कश्मीर, बट सिंस मे बी 25 इयर्स अराउंड आई एम हियर। सो आई हैव दिस टाइप ऑफ ज्वेलरी एंड एंटिक थिंग्स हियर, एंड यहाँ आपको लेह में काफ़ी मतलब यूनिक चीज़ें जो देखने को मिलेगी, और हमारा शॉप वन ऑफ द देम, सो जिसमें आपको इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेगी। और यहाँ पे ये सिर्फ ये नहीं, अंदर भी बहुत 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 खूबसूरत चीज़ें जो अभी अंदर चल के दिखाऊंगा मैं आपको, और भैया जी दिखाएंगे अभी अंदर। ये भैया की टोटल पूरी एंशियंट जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं सारी, वो सब इसमें है, सब कैप्चर भैया के पास सब अभी अवेलेबल है यहाँ पे सारी जितनी भी आप चीज़ें चाहते थे। अगर आपको पुरानी चीज़ों का शौक है तो आप भैया की एक बार शॉप पे आ सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। अभी तो सिर्फ एंटर करें हमने और चप्पलें भी उतार देते हैं, अंदर देखने चलते हैं।
भैया से पूछता हूँ, भैया बताएंगे सारी चीजें, क्योंकि एक्चुअली मुझे तो पता है भैया ये सब मूर्तियाँ सब पुरानी पुरानी है यहाँ पे सभी। ये कितने कितने साल पुरानी है? मतलब कोई 70 साल पुरानी है, कोई 80 साल पुरानी। एक्चुअली माय अंकल वाज हियर एक्चुअली बिफोर 45-50 इयर्स बिफोर। उन्होंने काफी हार्ड वर्क किया, मतलब उनकी उनका काफी फ्रेंडशिप रह चुका है लद्दाख में 50 साल, जो आप समझ सकते हैं कितना मतलब स्पेंड करना। और 50 साल पहले तो यहाँ लद्दाख में क्या था, मतलब यू कैन आई रिकॉग्नाइज फॉर दैट, उसमें क्या था कि मतलब उन्होंने काफी सारी मतलब गाँव से भी ले रखी है, क्योंकि सीजन तभी खाली 3 महीना हुआ करता था रोड, फिर तो 9 महीना ब्लॉक ही रहती थी, ब्लॉक ही रहती थी, अभी तो काफी अच्छा है। तो उन्होंने गांव-गांव में जाके या फ्रेंडशिप सर्कल में ये चीजें उठाई, लेकिन हमारे पास यहाँ कुछ कश्मीर का स्टॉक भी है, ये सब यहाँ से है, ये वाली सारी कश्मीर की स्टॉक, ये सारी ये तो सब मेरे ख्याल से होंगी सब 100-150 साल पुरानी भैया। बिल्कुल बिल्कुल, ये कश्मीरी 300 साल पहले यूज किया जाता था, लेकिन हमारे पास ये तकरीबन 150 साल पुराने होंगे। और ये समावार कहते हैं, एक्चुअली रेशा में भी एक कल्चर है, और हमारे कश्मीर में भी समावार ही कहते हैं, और रेशा में भी समावार है। दिस इज एक्चुअली मेन ट्रेडिशनल ऑफ कश्मीर। ओहो, आप जो देख रहे हो वो सब चीजें एंशिएंट टाइम की सारी तकरीबन 150 से 200 साल पुरानी है। और यहाँ पे जो मतलब पुराने जमाने में जो चीज यूज होती थी ना, जो पुराने जमाने में लोग चीज यूज करते थे, तो वो सब भाई लोगों ने मतलब इनके जो ग्रैंडफादर थे उन सब ने कलेक्ट करके यहाँ पे रख रखा है। और एक से एक आपको यूनिक चीज मिल जाएगी जो आपने शायद कभी कभी देखी भी ना अपनी आंखों से, और आप यहाँ पे आके वो चीजें देख सकते हैं। और ये सब चीजें जैसे अंगूठियां वगैरह होगी और ये सब मूर्तियां हैं, टोटल आपको मतलब ये फील आएगा कि आप अपने पुराने जमाने में, इस जमाने का आपको वैसे कुछ नहीं आएगा, सब टोटल पुराने जमाने का, एक से एक यूनिक आइटम है। ये हैं कुछ अपनी एंशिएंट टाइम की सारी चीज़ें, टोटल मतलब एक से एक चीज़ें मिल जाएंगी जो पहनते थे वहाँ के लोग, या जो गले में पहनते थे, जो मूर्तियाँ लगाते थे ऊपर, और जो चीज़ें वो यूज़ करते थे, वो सब टोटल यहाँ पे एक कलेक्शन बना के रख रखा है भाई ने। और ये नहीं कि मतलब कि इनकी अभी से कोई शॉप है, इनकी शॉप भी है वो तकरीबन 60-70 साल पुरानी, जैसे कि अभी आपको भाई ने बताया था, जब यहाँ पे इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी ना तब से है ये सब चीजें। और ये वो चीजें हैं जो सब आप सर, ये कहाँ की है ये सब चीजें? ये सब भी कश्मीर की हैं या फिर बाहर की? नहीं, इसमें कुछ चीजें तिब्बत से है, लासा से है, अच्छा, और कुछ कश्मीर से है, और कुछ लद्दाखी है, कुछ लद्दाखी है। तो इसमें आपको टोटल तीनों जगह का जो कॉम्बिनेशन है, तीनों जगह का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ये क्या भैया? This is a yak bone. This is actually for the smell. इसमें वो यूज किया जाता जो पानी छिड़कने था पहले करते थे, उसके टाइप का ये पीछे से बॉक्स निकलता है इसमें। और this is ये इस तरह का बहुत ही खूबसूरत चीजें यहाँ पे, एक से एक चीजें हैं। और भैया ये मतलब क्या प्राइस में होंगी ये सब? इसमें कुछ पीसेस नए हैं यहाँ पे, जैसे इनमें टर्कुआइज लगा हुआ है, पर्ल लगा हुआ है, लैपिस लगा हुआ है, अलग अलग स्टोन है, मतलब सब चीजों का कॉम्बिनेशन है टोटल मिला के। आप जैसा चाहोगे, आपको मतलब आपको कुछ भी अगर नए में चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, और अगर आपको पुराना जमाने का कुछ भी पसंद है तो आपको एक्स वाई जेड यहाँ पे सब कुछ मिल सकता है। लद्दाखी हो, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे वो ऑल ओवर इंडिया, मतलब इस साइड में अपने नॉर्थ रीजन में कहीं का भी हो, तो वो सब चीजों का कलेक्शन भाई ने बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पे कर रखा है। और अभी प्राइस वगैरह भाई जो होंगे वो आप यहीं पे आके डिस्कस करना जो भी होंगे, लेकिन आपको तो अलग अलग प्राइसेस हैं जी, वो तो देख ले सकते हैं जी। यहाँ पे हमारे कुछ तिब्बत के कारपेट्स हैं, जो कारपेट्स वगैरह सब पहले यूज होते थे तिब्बतीन कारपेट्स, जो हैंडमेड हो गए सारे तो पूरे हैंडमेड ही के, तब उन दिनों यहाँ के मतलब मशीनें तो होती नहीं, 100 साल से पुरानी काली कारपेट्स है, मशीनें तो होंगी नहीं। सही बात है, यहाँ पे मशीनें तो होंगी नहीं उस टाइम पे। तो आप जो भी चीजें अगर एंशिएंट टाइम में अगर आप मतलब रुचि रखते हैं थोड़ी सी, तो आपको एक से एक चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और अगर आपको नई चीज़ें चाहिए होंगी तो नई चीज़ें भी आपको यहाँ पे एक से एक खूबसूरती के साथ यहाँ पे सजा के रखी गई है। मेरे को तो चक्कर आ रहे हैं देख देख के कि इतनी सारी चीज़ें कैसे हैं। और ये इनका सर का कुछ कपड़ों का जो कलेक्शन है वो साइड एरिया है ये सारा। और ये सब वो चीज़ें भैया, ये सब चीज़ें क्या है? कश्मीर से सारी चीज़ें। This is like a paper mache work. ये पूरा हैंडमेड से पेंट किया होता है, अंदर ये पेपर का बना होता है। ये एक पाउडर बॉक्स और ज्वेलरी के काम भी आ जाता है, काफी मल्टीपर्पज यूज है। और इसमें क्या है कि ऑयल पेंट किया हुआ है, अगर कोई पानी भी छिड़कता है या गीले कपड़े से भी साफ करता है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी आप सब चीजें देखिए, जितने भी हैंडमेड होगी सब, तो सब जी ये सारे के सारे हैंडमेड है। ये जो सारा ये सारे बैग, इसे स्वेट लेदर है, ये दैट इज अ वॉशेबल, और ये सारे हैंडमेड किए हुए हैं जी। और यहाँ पे हमारे कुछ शॉल्स की सिलेक्शन है, जैसे कि नीडल वर्क हो गया, हुक्स वर्क हो गया, सिल्क हो गया, और ये तो इसके बगैर हमारे पास ज्यादा तो नहीं कह सकते कि हमारे पास उतना भैया, वैसे भी बहुत है, बिल्कुल एक दुकान में इतना लगना बहुत कुछ है, मतलब
बहुत हटके कलर, मतलब जो पश्मीना के कानी आते हैं वो भी अवेलेबल है। अच्छा, पश्मीना भी अपने पास अवेलेबल है यहां पर। जी, कानी पश्मीना के शॉल और स्टोल्स मिल जाएंगे, और प्लेन में जैसे कि नेचुरल कलर्स में आ जाते हैं उसके प्योर कलर, तो वो हमारे पास कुछ पीसेस तो उसमें भी। भैया का वैसे है टोटल कि आपको अगर कश्मीर से रिलेटेड हो, चाहे पश्मीना शॉल से या फिर बाकी हैंडवर्क जो भी आपको चीज़ चाहिए हो, तो सब चीज़ें टोटल अवेलेबल है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे किसी और दुकान पे जाके फिर दूसरी चीज़ देखनी, ऐसा नहीं है। आप अगर कुछ भी, अगर आपको हैंडवर्क से, मतलब हैंडवर्क से रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए बिल्कुल अलग चीज़, तो वो भी यहाँ पर है। और अगर आपको कपड़ों से रिलेटेड कोई चीज़ है, और बाकी जो आपको मैंने एंशिएंट टाइम की चीज़ें दिखाई वो भी भैया के पास अवेलेबल है। और भैया का नंबर अभी मैं आपको इस पे वीडियो में जरूर दिखा दूंगा, दुकान मैंने आपको एड्रेस पूरा बता दिया। आओगे तो एक बार विजिट जरूर करना, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, बहुत ही। भैया प्राइस वगैरह का कुछ रहेगा इनका? बिल्कुल बिल्कुल एकदम जेन्युइन। उनका जो आपने हैंडमेड का बताया था, वो जो आपने मुझे दिखाया, उनका प्राइस क्या रहेगा? जैसे कि वो छोटे बॉक्सेस में 200 रुपए से स्टार्ट है हमारे, 800 रुपए तक। जी जी, तो उसमें काफी सारी आपको मतलब साइजेस मिल जाएंगे वो। और ये एंशिएंट टाइम की जो चीजें अपने पास, ये उनकी जो यूनिक कलेक्शन है, तो उनकी प्राइसेस उसी के वेरी करेंगी, वो सब वेरी करेंगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कुछ ज्यादा ही ओवर रेटेड चीजें मिलेंगी, ऐसा नहीं है। आपको सब सिंपल रेट में हमें मिल सकती है, सब कुछ जेन्युइन रेट के हिसाब से। टोटल आओगे तो एक बार आना जरूर, विजिट जरूर करना, मस्ट विजिट है एक बार। भैया जो आपने बाहर बताया था, कितने साल पुराना है ये? 140 साल पुरानी नेकलेस है एक्चुअली, ये अफगानिस्तान से रख रहा है, ये अफगानिस्तान की है। जी जी, मैक्सिमम ज्वेलरी 92.8 मतलब 92.5 करके आती है। जी जी जी। लेकिन ये 91.5 है। ओ, तो इसकी विद सर्टिफिकेट है उसके साथ, वो जो जिसकी ज्वेलरी है पूरी सिलेक्शन, मतलब जितने भी जो भी स्टोन है जी जी, उसकी आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट और बिल मिल रही है उसका, कोई चीज़ नहीं। तो आपको मतलब इस चीज से भी घबराने की जरूरत नहीं कि क्या नाम चीज ओरिजिनल है नहीं, तो टोटल उसका सर्टिफिकेशन सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। आओगे तो एक बार आना जरूर, मस्ट विजिट है एक बार। और बाकी मुझे तो बहुत पसंद आया, चलते हैं फिर आगे की तरफ देखते हैं। तब तक तुषार को दिखाता हूँ जरा। हो गया सर? भी जो लिए हैं वो 5 या 6 लिए हैं, जैसे कि मैं पिछली बार आया था वो भी लेके गया था, लेकिन इस बार भी 5 या 6 ही लेके जा रहा हूँ अपने भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए। और अच्छी चीज़ें हैं ये सब चीज़ें, बाहर आते तो कुछ एक चीज़ होनी चाहिए आपके साथ कि आपके पास वहाँ की कुछ यादें हों, तो यादों के हिसाब से ये सब चीज़ें ठीक हैं, अच्छी हैं। तो हमारे पाजी ने लिया है ये अपनी वाइफ के लिए, और ये कितना एंटीक पीस है, और ये ब्लेसिंग्स लिखा हुआ है, ये सारे इसमें मंत्र लिखे हुए, मंत्र लिखे हुए, और अच्छा लगा मेरे को। और ये दोनों चीज सही साथ में नहीं है, जहाँ से भी आता कुछ ना कुछ चीजें लेने लेके जाने चाहिए, अलग चीज जो वहाँ की याद दिलाए। तो छोटे छोटे सुवेनिर भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, जैसे कि की चेन्स मिल जाएंगे, या कार में लटकाने वाले फ्रिज मैग्नेट्स, छोटे छोटे बहुत काफी सारी चीजें हमारे पास, टोटल सारी चीजें अवेलेबल है। छोटी से जाओ छोटी चीज, सुई से लेके एरोप्लेन तक आप कुछ भी चाहोगे तो सब मिलेगा यहाँ पे, एंशिएंट टाइम का भी और नए टाइम का भी, बहुत खूबसूरत है। अपने होटल से निकलने के बाद सीधा नाश्ता वगैरह करने के बाद अब सीधा जा रहे हैं हम यहाँ पे जो मार्केट वगैरह है वो एक्सप्लोर करने। और मैं एक बार पहले कर चुका हूँ, लेकिन उस टाइम सही ढंग से नहीं हो पाया था जैसा आपको सबको पता है। अभी तुषार और मैं आए हैं बिल्कुल फ्री होके, और सामने हमें हमारी दिख रही है मार्केट, वहाँ चलेंगे। तुषार बाबा एक्साइटेड हो? एक्साइटेड, ऊपर देख रहे हो वहाँ पे क्या जबरदस्त सीन से नज़र आ रहे हैं यार। तो फाइनली वी आर एंटरिंग इन द लेह मार्केट, और दूर से ही बहुत ज़बरदस्त लग रही है, पास तो खैर दिखाऊंगा इस बार, सब चीज़ें पूरी बढ़िया एक्सप्लोर करके दिखानी है। इस तरीके से कुछ यहाँ पे भी लेह मार्केट एक्सप्लोर की जरा, पहले हाँ थोड़ा एटीएम से जरा कैश वगैरह निकाल लेते हैं, क्योंकि आगे भी जरूरत पड़नी है यार। और चलो भाई हमारा चीख रहा है, बीड़ी को क्या कहते हैं मलयालम में? वी आर अड़िया। भाजी सीखते सीखते नहीं नहीं अरे बीड़ी इतना गए यार, इतना बड़ा काम है बोले हमारे भाई, हमारे यहाँ पे तो सिंपल कहते थे 512 की एक बीड़ी देते, बात ही खत्म। अभी ये क्या बोलते बीड़ी को? ये तो बताओ इतना लंबा कौन बोलेगा? हमारे यहाँ पे तो सीधे सिंपल बोलते थे 512 की एक बीड़ी देते, बात ही खत्म। इतना लंबा कौन बोलेगा बेटे? तो हिंदी मत बोल रही हो, तो हिंदी मत बोल रही हो, तुझे बता रहा हूँ बीड़ी। तो वह एक चीज और नहीं सीखी हमने, जो भाई ने बताई हमको, क्या कहते हैं मलयालम में? चंदा। मलयालम में चंदा कहते हैं। तो अभी हम जो ले मार्केट के बाहर है ना, तो भाई ने बताया हमें कि मलयालम में कहते हैं चंदा। तो हम इस तरीके से कुछ मार्केट में अभी हम एंटर कर गए हैं, तुषार और हम, और पाजी हमारे भाई साहब,
बाकी दोनों भाई लोग भी पीछे आ रहे हैं। चीज़ें बहुत ही खूबसूरत सी हैं अभी, शायद यहाँ पे अंधेरे की वजह से शायद ना दिख पा रही हूँ, तो शायद यार आगे करके देखें क्या कुछ इस तरीके की यहाँ पे कुछ एंटिक चीज़ें हैं। और ये जैसे हमारे यहाँ पे माल रोड होती है वैसे ही यहाँ की ये भी माल रोड है और अच्छी है। अभी तो जहाँ से एंटर कर रहे हैं कुछ बढ़िया सा लग रहा है, यूनिक सा, अपने वहाँ से थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पे सब कश्मीरी टाइप की और लेह मार्केट टाइप की ना वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे, अगर आपको लेना हो तो आ सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ना अभी लास्ट टाइम देखा था कि शायद यहाँ पे एक मॉस्क वगैरह भी है, जो मतलब देख तुषार उस तरफ जाना भी हमने, वो भी है तुषार से। अभी ज़रा जो लेह मार्केट है वो एक साइड में अभी आए हैं और एक साइड से अभी मतलब एक यहाँ पर है और एक सामने है, तो एक रास्ता आगे से जाके भी है, वहाँ से भी चलेंगे और चलेंगे फिर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो बहुत खूबसूरत सी लग रही है मार्केट ये, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ दुकानें तो बंद है लेकिन यहाँ पे जो कुछ दुकानें ओपन है ना वो कुछ इस तरीके से हैं, मतलब कि कुछ ऐसे ऐसे। और अपना हाँ जी पाजी यो हनी सिंह कहाँ चले गए थे पाजी? हम तो ढूंढते रह गए, फोटो खिंचवा रहे थे हम सारे वहाँ पे, मेरे ये सब जने। तो ये कुछ इस तरीके से अपनी शॉप्स वगैरह हैं। और यहाँ पर अगर आपको कुछ भी मतलब लद्दाख से रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए हो तो आप आके आराम से ले सकते हैं। और मतलब अलग अलग तरीके की हैं, जैसे घड़ी वगैरह हो गई, कुछ पुरानी टाइप की हो गई, कुछ लद्दाखी टाइप की होगी, जो मतलब लद्दाखी टच हो, जो वो तरीके की चीज़ें यहाँ पे बहुत है, तो अच्छी है। कुछ यहाँ से आएंगे तो फिर लेके भी जाएंगे कुछ अलग अलग सी चीज़ें। अभी पहले जरा आराम से ले मार्केट के जो है वो एक्सप्लोर करेंगे और दिखाता हूँ यहाँ पे जो चीज़ें हैं। देखो ये अपना भैया चल लिया है और ये यहाँ पे शायद कपड़ों वपड़ों का भी सीन है और यहाँ पे कारपेट्स वगैरह जो होते हैं सारे वो हैं, तरीके से चीज़ें हैं यहाँ पे भी। अभी दूसरी साइड आए हैं हम और यहाँ पर जो शॉप्स वगैरह हैं मतलब टोटल जो शॉप्स वगैरह हैं टोटल मतलब सेम ही है सारी, या तो सब एंटिक चीज़ों की हैं और या फिर वो कपड़ों वगैरह की जो पश्मीना शॉप्स वगैरह उन सब चीज़ों की, और एंटिक चीज़ों की ज़्यादा है मतलब यहाँ पे शॉप्स वगैरह हैं जो जिसमें लद्दाखी टच हो, तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पर सारी, मतलब मेन जो शॉप्स वगैरह हैं वो सब उसी की हैं। और हमारा भाई अभी ज़रा कर रहा है कुछ स्ट्रीट फोटोग्राफी, अगर कुछ भाई को बढ़िया चीज़ दिखती है सामने की यार कुछ ज़रा शॉप्स वगैरह जो वो बंद हैं उसमें, मतलब कुछ ज़्यादा से कुछ खास खुली नहीं है, तो हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं और इस वजह से। बाकी यहाँ पे जो टूरिस्ट वगैरह हैं वो सारे विदेश से भी हैं और इंडिया से तो हम ही हैं, भाई हमारा केरला से, सही है सब जने। सो ब्रदर हाउ आर यू फीलिंग इन ले? सर गुड फीलिंग। गुड फीलिंग, यू वॉन्ट टू स्टे हियर? या फॉर वन और टू डेज? जो एक महीना। एक महीना? हाँ। एक महीने में भाई कह रहा है कि हो जाएगा एक महीने में घूमना फिरना सारा। वन मंथ ही इज टेलिंग मी दैट ही वांट टू स्टे हियर वन मंथ। तो भाई को तो नहीं पसंद आया, भाई कह रहा दो तीन दिन में रफा चक्कर यहाँ से। लेकिन बहुत खूबसूरत लग रही है सेम मस्जिद जो है सामने की, बहुत खूबसूरत लग रही है। और अभी हम यहाँ से जरा चल रहे हैं आगे वाली मार्केट की तरफ, क्योंकि वहाँ पे भी अभी पूरी बहुत 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 कुछ एक्सप्लोर करने होगा, अभी उस तरफ चलते हैं। हमारा कंपास ये कहाँ का भाजी? मेड इन लंदन। लेकिन इसमें लिखा कहाँ मेड इन लंदन? चाय में आ जाओ, चाय में GoPro मेड इन लंदन एंटीक है भाई, एंटीक है वो, तो भाजी दिख ही रहा है अलग से दिख रहा है। 1914 का आप जी, ये तो सवा सौ तकरीबन 100 साल के आसपास का होगा, 107 साल से ऊपर का, और अभी तक वर्किंग है। अभी तक वर्किंग है कंपास? हाँ बाबा रे देख रहे हो बाबा, 100 साल पुराना कंपास और अभी तक वर्किंग हो रही है। यहाँ का नहीं है, ये है यहाँ का से लंदन का। तो यहाँ पे आपको सारी एंटीक चीजें मिल जाएंगी यार, एक से एक चीजें हमने तो देखी भी नहीं पाजी, ऐसी वो चीजें मिल रही है यहाँ पे यार, अच्छी लग रही है। हाँ पाजी यार ये क्या है पाजी? अरे मस्जिद है, ये मस्जिद है, मॉस्क है, ये देखो ये लिखा ना जामिया मस्जिद मॉस्क, जामिया मस्जिद ले लद्दाख। तो ये यहाँ की कुछ एक अलग ही तरीके की मॉस्क है, बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन कुछ भी कहो यार बहुत ही खूबसूरत। चल यार भूख लग रही है, कुछ खा के देखेंगे यार एक बार, ये खाएं क्या? चलो क्या चीज़ क्या पता करो तेरे आंटी जी से पूछो। आंटी जी इन्हें क्या बोलते हैं ये? ये क्या आंटी जी? ये खुरबानी? नहीं नहीं ये खुरबानी नहीं है, ये कैसे कौन सा सेब है? ये लोकल ये लद्दाखी सेब है। क्या रेट है ये पाव का? 50 रुपए पाव। तुहार ले लें क्या? सही है ना, तो एक पाव लेते हैं जरा। आंटी ये वाला मत दो, ये वाला मत देना, इसकी जगह दो छोटे छोटे दे देना, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये रख लीजिए आप, ठीक है ना, छोटे छोटे हो जाएंगे।
खा के तो देखे लेकिन हाँ बढ़िया लगे, थोड़े मीठे मीठे थे, छोटे से थे लेकिन बढ़िया थे, अच्छा है एक्सपीरियंस, अच्छा रहा यहाँ। तो ये मार्केट तो अभी अपनी एक्सप्लोर हो गई है, ले की जो ये मेन मार्केट थी जो यहाँ पे एक चक्कर वाली थी ये एक्सप्लोर कर ली है, एक इससे बाहर वाली मार्केट जो है अभी वो एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ, उसमें अलग अलग चीज़ें हैं टोटल अलग। ये अपना कपड़े की और एंटीक चीज़ों की थी, वो जो मार्केट है वो सारी मसालों की, भाजी वो सारी मसालों की, ये मसालों और सब्जियों की मार्केट है वो सामने, अलग अलग तरीके के मसाले वगैरह सब चीज़ें मिलेंगी इनके यहाँ पे। तो चलेंगे अभी जरा सामने की तरफ और देखते हैं, मिलेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह और सब वो चीज़ें मिलेंगी। और ये कुछ अलग अलग तरीके की हैं मसाले वगैरह लेना भाजी। अंकल ये क्या है? ये धूप है, धूप। धूप क्या? जलाने के लिए धूप। अच्छा धूप जलाने के लिए, इसमें से अच्छा वो आती होगी खुशबू आती होगी, अलग ही चीज़ है यहाँ पे, कुछ अलग ही चीज़ें देखने को मिल रही हैं यार तुषार, अलग अलग चीज़ें। हाँ हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया तो है मेरा सैया सैया, तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं, मैं तेरे नाम में खो जाऊं सैया सैया, तेरे नाम से जुड़े हैं सारे फासले, तेरे नाम से जुड़े हैं सारे फासले, पल पल मुझे रिझाए जाते जाते, अब बाविरा हुआ मन जग हो गया है रोशन, ये नई नई सुहागन हो गई है तेरी जोगन, बनकर माला प्रेम की तेरे तन से झर झर जाऊं सैया सैया, ये नरम नरम नशा है बढ़ता जाए, कोई प्यार से घुंघटिया देता उठाए, तुझे जीत जीत हारूं ये प्राण प्राण वारूं, तेरी आरती उतारूं हाय कैसे मैं समारूं सैया। गाना बहुत जबरदस्त गाना है यार, बहुत जबरदस्त गाना, बहुत ही जबरदस्त गाना भाई यार, कसम से यार। रवि कोबलर और भाई रहते हैं यहाँ पर अभी ले में, और सामने है लामा यूरू रेस्टोरेंट, आवाज़ बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त आवाज़ आ गई।
फाइनली पहुंच गए हैं हम सारी चीज़ें घूम के। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलना है। टिल देन बाय बाय। फाइनली पहुंच गए हैं अभी अपने होटल जहां पे हम रुके हुए थे, और होटल में अपने भाई का है ये भी, अपने UK 07 से, अपने देहरादून से। पहले एक्चुअली क्या होता था, भाई की बाइक बाहर खड़ी हुई थी ना, तो मैं थोड़ा सा सोचा मैंने शायद कोई वैसे घूमने आया, लेकिन जब बाद में भाई ने बताया भाई की बाइक है, तो थोड़ा सा अच्छा सा लगा। मैंने कहा हम भी उत्तराखंड से और भाई भी अपने उत्तराखंड से हैं, और मतलब हॉस्पिटैलिटी और बाकी सब चीज़ बहुत बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया है। और अगर कभी आप ले में आए तो बिना कुछ बुक करे, बिना कुछ देखे, सोचे समझे सीधा यहीं पे आ सकते हैं। अभी मैं भाई का कॉन्टैक्ट नंबर भी होटल का इसमें डाल दूंगा, और सीधा आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं पहले। और अगर आप पहले से बुकिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए पहले कॉल कर सकते हैं। और बाकी भाई तो बहुत बढ़िया है, अपने बहुत सपोर्टिव है हर चीज़ में। तो हाँ जी, और हाँ भाई का स्पेशल हेलमेट तो दिखाना भूल ही गया। भाई एक्चुअली एक राइडर है हमारी तरह, हम तो क्या ही, हम तो बच्चे हैं। और भाई के राइडर यार जो हेलमेट लगा ना स्पार्टन, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ठीक है, सब कुछ बढ़िया रहा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।